हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल शुभम राज 03। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आज हम क्लास 8 का रत्नसागर बुक का एक्सरसाइज 5A का पार्ट 2 आज हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पार्ट 2 5A का। इसके पिछले वीडियो में हमने मतलब क्वेश्चन 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था। अब आते हैं क्वेश्चन 8 की ओर। क्वेश्चन 8 में दिया गया है, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 5:7, फाइंड द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स। अब हमारा पैरेललोग्राम में दो एडजेसेंट दिया गया है एंगल, उसमें हमारा रेशियो दिया गया है 5:7। तो हम एंगल ए को क्या मान लेंगे, 5x, और एंगल बी को मान लेंगे 7x। अब हमारा क्या दिया गया है, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। हम क्या जानते हैं, बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो बी सी पैरेलल ए डी, तो हमारा हो जाएगा ए बी इज ट्रांसवर्सल लाइन। हमारा ए बी क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। तो जब ए बी ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा तो हमारा एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ये ए हो गया और एंगल बी हो गया, ये दोनों हो जाएगा को इंटीरियर से 180 डिग्री हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 15 डिग्री। तो उसके बाद फिर हमारा x इज इक्वल टू 15 डिग्री हमारा आ जाएगा। तो एंगल a प्लस एंगल c हमारा हो जाएगा क्या चीज़ से, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है वो इक्वल होता है। ओके, ये दोनों, ये फ्रेंड्स यही आपका मेन है सॉल्यूशन। तो हमारा हो जाएगा b इज इक्वल टू d, b इज इक्वल टू d क्या होता है, अपोजिट एंगल्स ऑफ a पैरेललोग्राम आर इक्वल होता है। और उसके बाद फिर हमारा आ जाएगा, यही आंसर हमारा आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 75 डिग्री, बी इज इक्वल टू 105 डिग्री, और सी हो गया हमारा 75 डिग्री, और डी हो गया हमारा 105 डिग्री। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच वन एंगल इज 120 डिग्री, फाइंड द अदर 3 एंगल्स। अब हमें इसमें क्या दिया गया है, एक पैरेललोग्राम दिया गया है, उसमें सिर्फ एक एंगल दिया गया है 120 डिग्री। तो हम इसको को इंटीरियर एंगल से निकाल सकते हैं बाकी तीनों एंगल। तो इसमें हम क्या जानते हैं, एंगल बी सी इज इक्वल, बी सी पैरेलल ए डी होता है। तो हमारा ए डी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। ओके, हमारा क्या हो जाएगा, ए डी हमारा ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कलर चेंज करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये ए बी और सी डी ये दोनों जो है ये है पैरेलल। ओके, ये है पैरेलल, हालांकि इसमें पैरेलल दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये दोनों है क्या है, पैरेलल है। ओके, तो हमारा ये हो गया ए डी हो गया, हमारा ये हो गया ट्रांसवर्सल लाइन, जो वैसा लाइन जो किसी दो लाइन को एक ही मतलब वैसा लाइन जो किसी दो लाइन को काटता हो उसी को कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, दो या अधिक, दो से या दो या दो से अधिक। तो हमारा 120 डिग्री क्या हो जाएगा, एंगल ए का प्लस एंगल बी इज इक्वल 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से। तो एंगल बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। अब हमारा एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी क्या होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया, हमारा एंगल ए इज इक्वल टू 120 डिग्री, और हमारा क्या हो जाएगा, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होता है। कैसे होता है, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल से होता है। तो एंगल बी का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, एंगल डी का कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। हेंस एंगल बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, हमारा 10th नंबर क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर 4 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू क्या दिया गया है, 70 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डी सी बी, सी ए बी एंड डी ए सी। ये तीनों का हमें एंगल का मेजर निकालना होगा। तो हमारा क्या दिया गया है, ए डी सी 60 डिग्री है, यहाँ पे ये हो गया 60 डिग्री और यहाँ पे ये हो गया 70 डिग्री क्या हो गया, ए सी बी का हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए बी पैरेलल सी डी है, यहाँ पे ए बी पैरेलल और ऊपर में है सी डी, तो ए सी हमारा हो गया ट्रांसवर्सल लाइन हो गया हमारा, सॉरी ये हो गया हमारा, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया।
उसके बाद फिर हमारा को इंटीरियर एंगल्स हो जाएगा एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो हमारा क्या हो जाएगा एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एंगल डी सी ए इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 50 डिग्री। यहाँ पे है एंगल डी सी ए प्लस 130 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इज इक्वल टू एंगल डी सी ए इज इक्वल टू 50 डिग्री। एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एंगल डी सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी इज इक्वल प्लस एंगल ए सी डी। ओके, तो हमारा ये दोनों का सम होता है तो एंगल डी सी बी होगा 120 डिग्री। तो एंगल डी सी बी भी हमारा निकल गया 120 डिग्री। और हमारा क्या होता है एंगल सी ए बी और एंगल डी सी ए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से बराबर होता है। तो एंगल सी ए बी भी हो गया हमारा 50 डिग्री। तो हमारा हो गया अब डी ए सी इज इक्वल टू हमारा होता है ए सी बी। ए सी बी हो गया एंगल है ए सी बी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा हमारा। यहाँ पे आप एंगल कर देना ओके, यहाँ पे आपका हो गया एंगल। तो एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री हेंस डी सी बी इज इक्वल टू 120 डिग्री एंगल सी ए बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड एंगल डी ए सी इज इक्वल टू 70 डिग्री। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है इन फिगर 5, फिगर जो 5 है उसमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो उसमें आपको क्या निकालना है ए का वैल्यू, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू और डी का वैल्यू, ये चारों का आपको वैल्यू निकालना है। ओके, तो इसमें फिगर नंबर 5 दिया गया है। अब हमें इसमें क्या क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ हमारा इसमें क्या क्या दिया गया है। एंगल सॉरी ए बी पैरेलल डी सी हमारा होता है और उसमें बी डी ट्रांसवर्सल लाइन होता है। ओके, तो हमारा हो गया एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी। किससे हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो डी डिग्री क्या हो जाएगा 2a डिग्री। एंगल डी इज इक्वल टू 2a प्लस 3a। एंगल डी इज इक्वल टू 5a। एंगल डी प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा को इंटीरियर एंगल से 180 डिग्री हो जाएगा। तो 5a प्लस 7a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 12a इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 15 डिग्री। तो एंगल डी क्या हो जाएगा 75 डिग्री और एंगल सी हो जाएगा 7a है तो 105 डिग्री हो जाएगा। तो अब फिर से एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी हो जाता है। तो एंगल डी होता है 75 डिग्री और यहाँ पे a प्लस बी निकालना है। तो b 2a हमारा दिया गया है 15 है तो हमारा सिर्फ b निकालना है। तो b में हो गया हमारा 45 डिग्री। तो एंगल्स a इज इक्वल टू एंगल c क्या हो जाएगा अपोजिट एंगल होता है पैरेललोग्राम के इक्वल। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 105 डिग्री। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2a इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 2 × 15। तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 30। हेंस a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 45, c इज इक्वल टू 105 एंड d इज इक्वल टू 30। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। 12 नंबर में हमारा क्या क्वेश्चन है इन फिगर 6 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी गिवन दैट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब हमारा ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा इन फिगर 6, फिगर 6 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी। जो फिगर 6 है उसमें ए बी सी और डी का वैल्यू निकालना है जिसमें कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर भी दे दिया गया है क्वेश्चन में ही। तो हमारा क्या क्या दिया गया है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 115 डिग्री और एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 50 डिग्री और एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 140 डिग्री। और फिर अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब हम इसमें अपोजिट एंगल से एंगल ओ ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी अपोजिट एंगल से इक्वल हो सकता है और 115 डिग्री इज इक्वल टू ए कर देंगे। ओके, 115 डिग्री इज इक्वल टू ए कैसे कर देंगे, तो ए यहाँ पर से देखिए फ्रेंड्स ये होता है इक्वल। ओके, ये जो होता है ये इक्वल होता है
अपोजिट एंगल से तो ये इक्वल हो गया है। ओके, तो ए बराबर कितना आ गया 115 डिग्री। और फिर एंगल ओ सी बी प्लस एंगल डी सी ई, ओ सी बी का है, ओ सी बी प्लस एंगल डी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से हो जाएगा। तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 40 डिग्री, और वैसे ही डी का वैल्यू भी निकालना है तो 50 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए डी ओ इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी होता है किससे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, दोनों इक्वल होता है। तो एंगल ओ डी सी प्लस एंगल डी सी ओ प्लस एंगल सी ओ डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें क्या करना है, सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से ये सब 180 डिग्री हो जाएगा, तो बी का वैल्यू हो जाएगा 25 डिग्री। तो हमारा क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया है हेंस ए इज इक्वल टू 150 डिग्री, और हो गया बी में 25 डिग्री, और सी में 40 डिग्री, और डी में 50 डिग्री। तो आइए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन में क्या बोलता है, इफ द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 110। आप मान लो फ्रेंड्स, आप मान लो कि ये हो गया 55 डिग्री, और ये हो गया क्या हो गया, और ये भी हो गया हमारा 55 डिग्री। अब इसमें इसका एंगल, इसका और इसका, ये दोनों का वैल्यू निकालना है कि ये दोनों कितना कितना डिग्री का है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एंगल ए और सी ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल से है, अपोजिट एंगल से है, तो अपोजिट एंगल ये दोनों इक्वल होता है। तो इक्वल होता है, तो इक्वल होता है, तो हमने इसी के लिए यहाँ पे 55 कर दिया, और इसी के लिए हमने यहाँ पर 55 कर दिया, क्योंकि ये दोनों का सम था क्या, 110 डिग्री था। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 110, तो 2A इज इक्वल टू 110 डिग्री, तो एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री। अगेन वी नो डैट एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री को इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो एंगल बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 125, क्योंकि एंगल ए का वैल्यू दिया गया है वो यहाँ पे 55 डिग्री। तो हेंस एंगल ए इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 125 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 15 डिग्री, एंड एंगल डी इज इक्वल टू 125 डिग्री। यही हो गया हमारा आंसर। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, ये है क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है, इन फिगर 7, कोई एक फिगर 7 है जो कि नेक्स्ट पेज में दिया गया है। फिगर 7 में है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, उसमें सी ई बाइसेक्ट करता है एंगल सी को, और ए एफ बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। ओके, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू गिव रीजन। ये इतना तीन दिया हुआ है, तीन दिया हुआ है, इसमें अगर जो कोई सही है स्टेटमेंट तो उसका क्या देना है, रीजन देना है। ओके, तो ये जो हमारा पिक्चर दिया गया है, इसी में हमसे, इसी में हमको बोला जा रहा है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल ए ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल है, तो ये तो अपोजिट एंगल से हो जाएगा, और एंगल सी ई बी और एंगल एफ ए बी, एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी ये एंगल, और एंगल एफ ए बी, एंगल एफ ए बी ये एंगल, ये दोनों एंगल, और फिर सी ई, सी ई ये लाइन, और ए एफ ये लाइन, ये दोनों पैरेलल है या नहीं वो हमको बताना है। तो इसमें फर्स्ट में तो हमने पहले ही बता दिया आपको कि ये फर्स्ट है ट्रू, हमने लिख दिया ट्रू, बिकॉज इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर, मतलब सेकंड में, इसमें ही सेकंड है। इन ट्रायंगल ए डी एफ एंड इन ट्रायंगल बी सी ई, ये दोनों ट्रायंगल में ए डी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, पैरेललोग्राम का होता है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी में भी अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होता है। तो हमारा क्या हो गया, एंगल डी ए एफ कहाँ है, हमारा एंगल डी ए एफ कॉन्ग्रुएंस टू एंगल बी सी ई किससे, ए एस ए कॉन्ग्रुएंस है, देखिए यहाँ पे ए एस ए कॉन्ग्रुएंस है, तो ये एंगल सी ए सी ई बी और एफ ई बी ये हो जाएगा सी पी सी टी से इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ये दोनों सेम हो जाएगा। और उसका फिर इसी मतलब क्या कहता है, इसी सेकंड नंबर क्वेश्चन से हमारा ये थर्ड नंबर क्वेश्चन भी बन जाएगा, ये भी सी पी सी टी से हो जाएगा पैरेलल। अब यहाँ पे हॉट्स का एक ही, हॉट्स का फर्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी मीट एट ई विच लाइज ऑन डी सी, प्रूव दैट
ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी। तो फ्रेंड्स ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इसको बनाने में मुझे लगभग 1-2 घंटा लग गया था। तो इसका गिवन डेट हमारा क्या दिया गया है, बेसेक्टर ऑफ ए क्या दिया गया है, एंगल डी ए ई, एंगल डी ए ई और एंगल ई ए बी है। और एंगल बी का क्या है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंगल ए डी ई और फिर है एंगल ई बी सी। और बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी ये दोनों कहाँ मीट करता है, डी एट ई विच लाइज ऑन डी सी। तो जैसा हम अब हमारा क्वेश्चन बोलेगा वैसे ही हमें भी करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी कैसे होगा, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से आप एक बार इसको देख लोगे, आप ये वाला जो पिक्चर दिया गया है आप ये वाला पिक्चर को एक बार ध्यान से देख लोगे, उसके बाद फिर आप नीचे से आओगे। ओके यहाँ पे है ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल टू बी सी, ये क्या है पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। और ए बी पैरेलल सी डी और ए डी पैरेलल बी सी ये दोनों भी पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाता है। और एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए बी, ये दोनों ए ही बाइस ए ही का बाइसेक्टर है इसी के लिए ये दोनों भी इक्वल हो जाता है। और बी एफ ये बाइसेक्टर है एंगल ए बी सी का, ये क्या क्या हो जाएगा, एंगल सी बी ई और एंगल ई बी ए ये दोनों इक्वल हो जाएगा। और इसी के साथ ए बी पैरेलल सी डी हो जाता है। और इसमें अब ए ई इज ट्रांसवर्सल लाइन, अब इसमें ए ई एक ट्रांसवर्सल लाइन बन जाता है, एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाता है इक्वल, एंगल डी ई ए इज इक्वल टू एंगल डी ए ई, ये हो जाता है एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल ई ए बी के मतलब उसके हिसाब से हो जाता है ये इक्वल। तो ए डी इज इक्वल टू डी ई होगा आइसोसेलस प्रॉपर्टी से। तो अब आते हैं एंगल लिए, अब आते हैं ए बी पैरेलल सी डी में। ओके ए ई क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, कहाँ पे है हमारे ए ई ए ई ए ई ए ई, हाँ यहाँ पे ये हो गया हमारा ट्रांसवर्सल लाइन। कैसे हो जाएगा ट्रांसवर्सल लाइन, तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ए बी और ए बी पैरेलल सी डी होता है तो ए ई ट्रांसवर्सल लाइन हो सकता है। ओके मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए ए बी और ये डी सी ये दोनों हो गया पैरेलल। ओके ये दोनों हो गया पैरेलल, तो यदि कोई भी पैरेलल लाइन को या फिर कोई भी दो लाइन को या फिर दो से अधिक लाइन को कोई एक लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसको ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। तो ये हो जाएगा एंगल ई ए बी इज इक्वल टू एंगल डी ई ए, कैसे हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, सॉरी एंगल ई बी ए, यहाँ से हमें देखना है, हमें यहाँ से देखना है एंगल ई बी ए एंड इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, किससे हो जाएगा तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हो जाएगा। तो फिर उसके बाद फिर क्या है, एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, किससे हो जाएगा तो ये हो जाएगा एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल बी ई बी ए है, तो ये हो जाएगा इक्वल। और उसके बाद फिर ये इतना है हमारा टोटल है हमारा आंसर। ओके ये है बी सी इज इक्वल टू ई सी, क्या हो जाएगा आइसोसेलस ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, तो बी सी इज इक्वल टू ई सी हो सकता है हमारा। और उसके बाद फिर ए डी इज इक्वल टू डी ई हो जाएगा, डी ई इज इक्वल टू बी सी, बी सी इज इक्वल टू ई सी, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और फिर अब क्या करना है हमें, ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी तो हमारे यहाँ पे है ही, क्योंकि पैरेललोग्राम का जो अपोजिट एंगल है वो दोनों अपोजिट साइड है वो दोनों इक्वल होता है और अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है। तो ए बी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी, किससे हो जाएगा सी डी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी है, तो उससे हो जाएगा ए बी प्लस डी ई प्लस ए बी इज इक्वल टू डी ई प्लस ई सी हो जाएगा। तो इक्वेशन वन से अब हमको लेना है ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस ए डी। ओके तो क्या कर देंगे हम, हमारा यहाँ पर क्या हो गया ए बी इज इक्वल टू टू ए डी, अगर जो हम टू को इधर ए बी में लाएंगे तो ए बी में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए डी हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि आंसर में दिया गया, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था ए डी इज इक्वल टू 1/2 ए बी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ए बी
बाई टू इज इक्वल टू वन बाई टू ए बी, ये दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ये इक्वल है। तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। ओके, ये क्या हो गया हमारा प्रूव्ड। तो फ्रेंड्स, यदि आप वीडियो को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है आपको ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और इसको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्लीज़ फ्रेंड्स, आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और आप जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब करने के बाद आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दो। प्लीज़ फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।